स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं इस डेक के मेजर आर्काना से। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं मेजर आर्काना के 22 कार्ड से, जहां जर्नी शुरू होती है फूल कार्ड से, जिसका नंबर 0 दिया गया है। और मेजर आर्काना की जर्नी देखिए, यहाँ फूल कार्ड है, इस पे सारे कार्ड्स पे नंबर्स डले हुए, इस पे ऊपर नंबर 0 है। ऐसे ही ये जर्नी कंटिन्यू होते होते वर्ल्ड कार्ड पे खत्म होती है, विच इज नंबर 21। सो इन टोटल वी हैव 22 कार्ड्स कमिंग अंडर मेजर आर्काना। अब हम इस पूरी कहानी को और पूरी जर्नी को मेजर आर्काना के फूल के नजरिए से जानने की कोशिश करते हैं। मेजर आर्काना यानी कि हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स, मेजर चेंजेस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। अब मेजर आर्काना का जैसे ये पहला कार्ड है, दिस इज द फूल कार्ड। तो फूल कार्ड में जैसे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, इसकी आप ड्रेस देखेंगे तो ड्रेस में बहुत कलरफुल फ्लावर्स बने हुए हैं, जो सिग्निफाई कर रहे हैं इसकी क्रिएटिविटी को। हाथ में एक सफेद गुलाब है, सफेद गुलाब जहां कहीं भी आपको दिखेगा आगे आने वाले कार्ड्स में भी। देखिए दो तरीके के फ्लावर्स दिखेंगे, जहां गुलाब दिखेगा तो इट इज प्योर लव, जहां पे लिलीज दिखेंगी तो इट इज प्योर थॉट्स। ठीक, सफेद है तो प्योरिटी है। फिर आप देखेंगे इसके हाथ में एक डंडा है जिसमें एक पोटली सी बंधी हुई है, और ऊपर आसमान की तरफ देख के ये एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, जिसमें कदम अगर इसने देख कर नहीं रखा तो नीचे भी गिर सकता है। तो फूल की जर्नी को ऐसा माना जाता है कि ये एक जर्नी ऐसी है, ऐसा फेज है लाइफ का, जहां इंसान इनोसेंट है। अगर आप अपने क्वेरेंट के लिए रीडिंग कर रहे हैं और आपने ये कार्ड निकाला है, तो इसका मतलब आपके क्वेरेंट जो है, दैट पर्सन इज प्योर एट हार्ट, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, वो प्योरिटी सिग्निफाई कर रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग है, और जैसे है जैसे चीजें आती हैं उन चीजों को वैसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर इसके कीवर्ड्स क्या क्या है, इम्पल्सिव है, एक बच्चे का मन है तो पता नहीं होता है कि कहाँ कैसे करना है, बस सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है। सिंपल है, और इसमें आपको जैसे देखने मिल रहा है एक डॉग खड़ा है इसके पैर के पास, तो ये डॉग सिग्निफाई करता है एक वार्निंग को कि आगे कदम बढ़ाने से पहले एक बारी देख ले, तो ये एक वार्निंग भी है। येलो कलर जो आप देख रहे हैं सूर्य की किरणों का, वो ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी कलर्स का मैंने आपको बता दिया था। ये माना जाता है कि वी ऑल आर हीरोज इन आर लाइफ, हर कोई स्पेशल है, यूनिक है अपने खुद के तरीके से। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी शुरुआत करनी है तो शुरुआत खुद से करनी होती है। बदलाव भी लाना है तो पहले खुद में लाना होगा, फिर हम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो सिमिलरली, अगर आप कई लोगों को ऐसे देखेंगे, दे कम एंड कंप्लेन दैट नोबडी लव्स देम, लेकिन ये नोबडी कौन है? क्या वो खुद को उतना प्यार करते हैं कि सामने वाला उनको महत्व दे पाए? सो दिस इज वन थिंग दैट द फूल टीचेस, कि पहले खुद से प्यार करना सीखना है, अनकंडीशनल लव सीखना है, तभी हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। अब जर्नल में इस कार्ड से रिलेटेड और आने वाले कार्ड से रिलेटेड आपको ये चीजें लिखनी है कि जब आपको मैं पिक्चर दिखाती हूं तो आप कोई भी 3 से 4 पॉइंट्स पिक कीजिए जो उस कार्ड के आपको अट्रैक्ट करते हैं या हाईलाइट होते हैं आपके नजरिए में। बिकॉज टैरो ज्यादातर इंट्यूटिव काम है, इंट्यूटिव एनर्जी से डील करने का काम है, तो आप अगर उन हिंट्स को पकड़ पाएंगे तो उसको आप अप्लाई भी कर पाएंगे।
और इसमें फिर आपको कुछ याद नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिकली एक फ्लो में आता जाएगा। देन काम के नजरिए से, आप जैसे आपके सामने कोई क्वेरेंट आके बैठते हैं, तो कई लोग आते हैं वो एक ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि मेरा करियर कैसा होगा। अब करियर में अगर आपने कार्ड्स निकाले हैं और फूल का कार्ड आता है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट वो शुरुआत होने वाली है जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व्ड है, उन्हें यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसे ही रोमांस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि फूल का जो हम चाल देख रहे हैं, जो कैरी करने का तरीका है, वो कहीं भी मैच्योरिटी सिग्निफाई नहीं करता। तो ऐसा इंसान फिलहाल कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, तो वो चीज आपको हाईलाइट करनी होगी। अगर किसी का क्वेश्चन फाइनेंस से रिलेटेड है, तो नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं और आपसे पूछते हैं कि कैसी रहेगी हेल्थ और फूल कार्ड आता है, तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है हेल्थ में। फिर ट्रैवल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो जो भी ट्रैवल होगा या जो भी जर्नी होगी वो अनप्लान्ड होगी और एक्साइटिंग रहेगी। अब कई टैरो रीडर्स रिवर्स कार्ड्स की रीडिंग करते हैं, मैं पर्सनली नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी शफलिंग और कार्ड कीपिंग से ही कार्ड रिवर्स्ड होते हैं। सो रिवर्स कार्ड में यही कार्ड अगर आता है उल्टा, तो इसका मतलब है एक वार्निंग है, ये अच्छा टाइम नहीं है कोई भी रिस्क लेने का या किसी पर विश्वास करने का। फिर रीडिंग्स हमारी बहुत हद तक चेंज हो जाती हैं, उस केस में फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी नहीं है, रिलेशनशिप में द पर्सन इज नॉट कमिटेड एंड नॉट कम्यूटेड ऑल्सो। फिर ये भी हो सकता है कि इस तरह का इंसान किसी तरीके के सट्टे में इन्वॉल्व्ड हो, चाहे वो शेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो जुए से रिलेटेड हो। फिर अगर कोई ट्रैवलिंग प्लान है तो वो डिले हो सकते हैं। ऐसे में आप गाइडेंस क्या देंगे अपने क्वेरेंट को? आप उनसे कहेंगे कि वो ध्यान से चीजों में डिसीजन लें, उन्हें हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स जांच लेने चाहिए आगे बढ़ने से पहले। ये आपको मैंने एक जिस्ट बता दिया कि हमने लास्ट सेशन में इस कार्ड में क्या किया था। आपके पास पहले की रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, एक हमारा वेबिनार की रिकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि वेबिनार में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि हम टैरो से क्या क्या कर सकते हैं, हमें एनर्जी एक्सचेंज क्यों रखना चाहिए, और फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन की आपकी क्लास वन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आप वो ज़रूर देख लें सो दैट यू आर अपडेटेड।